हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं काठियावाड़ की फेमस व्हाइट कढ़ी की रेसिपी, जो एकदम बढ़िया लगती है टेस्ट में। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कढ़ी आप चावल, खिचड़ी या रोटी या पाखरी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम एक गिलास पानी ले लेंगे। अब उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है, उसे हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले पानी में बेसन को मिक्स करना जरूरी है, वरना उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तब उसमें हम 2 गिलास छाछ ऐड कर देंगे। छाछ यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, ताज़ा या खट्टी भी ले सकते हैं। अब हमारा बेसन का बैटर बन चुका है, अब कढ़ी का तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब उसमें मैंने 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 3 से 4 लौंग, 1 तज का टुकड़ा और 3 से 4 मरी ऐड कर दिया है। 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, कड़ी पत्ता। अब यहाँ पर मैं कटी हुई लहसुन ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ हम इसे मिक्स कर देंगे। और 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। 2 हरी मिर्चें काटी हुई मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब सब कुछ हम 1/2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम अपने बेसन का बैटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम हल्दी का यूज नहीं करेंगे, यह हम व्हाइट कढ़ी बना रहे हैं। अब सब कुछ थोड़ा सा सोते हो जाए, उसके बाद हम बेसन वाला बैटर ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आपको जितनी पतली पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसे हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। अब उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दी है, आपको जितना खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमने 5 मिनट के लिए उबाल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने गाढ़ी रखी है, आपको जितनी पसंद हो गाढ़ी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ऊपर से हम 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। अब हमारी व्हाइट कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में कढ़ी को निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर से शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।